और ये है मणिकर्णिका घाट महाशमशान भूमि। यहाँ पर 2400 घंटे चिताएं जलती रहती है, 365 दिन आज तक कभी भी आग नहीं बुझी है। कहा जाता है कि इस घाट पे ना डेड बॉडीज को जलाने के लिए देखो लकड़ जो है ना वो इस तरीके से शिप्स के ऊपर ना लेकर आई जाती है, क्योंकि यही सबसे ईजिएस्ट वे है लकड़ को यहाँ पे लेकर आने का। कुछ ऐसे वाला सीन है, कुछ ऐसे वाली स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पे 2400 घंटे आग जलती रहती है, चिताएं जलती रहती है। मेरे बचपन के टाइम का खिलौना आज बहुत दिनों के बाद ना मेरे को यहाँ पर देखने को मिला, और उसको देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई। वो वाला टाइम याद आ गया, वो सारी जहाँ मेमोरीज याद आ गई कि जब हम भी ना पापा के साथ ना किसी मेले वगैरह में जाते थे और हमें ये वाला खिलौना वहाँ देखने को मिलता था ना, तो पापा के पीछे पड़ जाता था कि भाई मेरे को लेके दो। और मैंने ना ऐसी वाली बहुत सारी बोट्स वगैरह लेता था घर ला के ना, उसको हम चलाते थे और ज़्यादा दिन तो नहीं, दो तीन दिन चलती थी पर उसके बाद गायब हो जाती थी या हम भूल ही जाते थे, हम खुद ही घुमा देते थे। बट टाइम था कि जब भी मेले जाना है ना या ऐसी किसी जगह पे जाना या जहाँ पर भी ये दिखनी है ना भैया ये लेनी है। दिल्ली के ना चांदनी चौक के अंदर भी ना इतना रश नहीं है जितना रश यहाँ पे है। इसने ना चांदनी चौक को भी भैया फेल करा हुआ है। आज ही हमारे को ना भाई साहब मिले हैं और भाई साहब हमारे को लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हो? चाची कचौड़ी रविदास के। चलो ठीक है। तो रिक्शे वाले भैया ना मेरे को लेकर आए हैं यहाँ पे चाची की कचौड़ी के पास। बट यार यहाँ का तो माहौल ही चेंज हो चुका है और कचौड़ी वगैरह सब खत्म हो गई। सर खत्म हो गई सर? अरे यार अभी तो टाइम ही क्या हुआ सर, अभी 12 ही बजे है सर। हाँ तो इसका टाइमिंग है 10-11 बजे तक खत्म हो जाता है। 10-11 बजे तक खत्म हो जाते हैं, तो यार थोड़ा ज्यादा बनाया करो ना। ज्यादा बनता है, संडे को तो और ज्यादा बनता है। संडे को और ज्यादा बनता है, सुबह से भीड़ बहुत ज्यादा लगती है ना। अच्छा मैं यार बहुत दूर से आया था टेस्ट करने के लिए यार। कल सुबह ही मिलेगा? अब कल सुबह ही मिलेगा, 6 बजे से लेकर 10-10:30 बजे तक। ठीक है। तो ये दुकान है और ये दुकान ना ऑलमोस्ट देखो 1915 की दुकान है। तो कितने साल हो गए 1915 की दुकान हुई? तो 109 साल पुरानी दुकान हो गई। और ये 109 साल पुरानी दुकान है यार, इसका जो जायका होना था ना, जो टेस्ट होना था ना, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल का ही होना था। भाई चाची की दुकान फेमस क्यों है पहले ये बता। चाची गाली बहुत देती थी। चाची गाली बहुत देती थी, लोग आशीर्वाद समझते थे। अच्छा, गाली कौन सी देती थी? जैसे कि इतनी सब गाली होती तो सब दे देती। एक आधी देके तो दिखा। अब नहीं दे पाएंगे। मैंने सुना है बनारस के अंदर भोसड़ी के बहुत चलती है, उससे भी ज्यादा तो गंदी गंदी गाली देती थी। पर भोसड़ी के तो चलती है ना, आम बात है। आम बात है, ठीक है। पहलवान लस्सी वाले, ठीक है यहाँ पर भी ना हम ट्राई करते हैं, देख लेते हैं पहलवान लस्सी कैसी है। बहुत ही बढ़िया लस्सी है, बहुत कमाल की लस्सी है, मज़ा आ गया इसको पी के। इनफैक्ट इससे पहले जो मैंने लस्सी ट्राई करी थी ना उससे ज़्यादा बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लो जी ये आपके लिए। अरे ऐसा क्यों? अरे नहीं है, मिल बांट कर खाएंगे पियेंगे, कोई चक्कर नहीं है। मैंने पी ली भाई लस्सी, पी ली मैंने ना। कचौड़ी तो मिली नहीं चाची की, चाची की कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आए थे इतनी दूर, बट वो तो मिली नहीं। उसकी जगह पे मैंने कहा चलो पहलवान की लस्सी ही पी लेते हैं। तो पहलवान जी की लस्सी पी ली है हम लोगों ने, बनारस की गलियों में घूमते घूमते यहाँ तक आ गए हैं। तो राइट नाउ ना मैं आ गया हूँ पिज़ेरिया वाटिका कैफ़े, जो सिंस 1992 से है द फर्स्ट पिज़ेरिया ऑफ इंडिया। तो इनके पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करेंगे और देखते हैं इनका पिज़्ज़ा कैसे है। वैसे मैंने इनके पिज़्ज़ा के बारे में ना बहुत ही ज़्यादा वाली तारीफ सुनी हुई है। मैंने तो सुना था कि अगर आप शाम को यहाँ पर जाओगे ना तो आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिलेगी, बट भैया अभी तो ना दोपहर का ही टाइम है, एक तरीके से लंच टाइम है, अराउंड 2:30 बज रहे हैं और देखो भाई कोई टेबल खाली नहीं है, सिर्फ ये वाला टेबल खाली था कॉर्नर वाला, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी ना धूप वगैरह आ रही थी। बट मैंने बोला कोई नहीं यार, मैं यहाँ पर जाके ना छुप के ऐसे करके ना इसके नीचे छुप के यहाँ पर ना बैठ जाऊँगा, और मैं वैसे भी अकेला ही हूँ ना तो आराम से यहाँ पर बैठ के अपना एंजॉय करूँगा पिज़्ज़े को, ठीक है। एक एक सिप जैसे अंदर जा रहा है ना बड़ी तृप्ति मिल रही है भाई, बड़ी तृप्ति मिल रही है।
एक नंबर है भाई, एक नंबर है कसम से भाई। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सबको कोल्ड कॉफी बनानी नहीं आती है, ऐसे फ्लेवर हर जगह पे नहीं मिलते हैं सच्ची। भाई मेरा ना पिज्जा ओवन में से निकल के रेडी शेडी होके बहुत ही सुंदर सा ना निकल कर बाहर आ गया, आपको दिखाऊं एक बारी। भाई देखोगे भाई मुंह में पानी आ जाएगा, देख लेना आपके। ओ भाई साहब चेक कर रहे हो, क्या मस्त पिज्जा है, टन टन है। ओए भाई, ओ भाई गरम बड़ा यार, ठीक है बड़ा मजा आया चीज फूल करके। पिज्जे की ब्रेड, पिज्जे की चीज़, पिज्जे के ऊपर ऑलिव ऑयल और ये जेलेपिनो, भाई इनका जो कॉम्बिनेशन का जो फ्लेवर निकल कर बाहर आ रहा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल आ रहा है सच्ची में। बहुत बढ़िया, मतलब पिज़्ज़ा भी बहुत बढ़िया और कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया, एक नंबर है भाई। दोनों चीज़ों के अंदर मज़ा आ गया और यही अपने को चाहिए था। और सही है, मैं ना बिल्कुल टाइम से आ गया क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो इस चक्कर से ना टेबल ही नहीं खाली हो रहा भाई। जब से मैं आया हूँ ना तब से सारे के सारे टेबल भरे हुए हैं। इन्होंने सिटिंग एटमॉस्फेयर इतना सुंदर, इतना बढ़िया बनाया हुआ है ना कि हर किसी का मन यहीं पर ही करेगा आके बैठने का, ग्रीनरी के अंदर बहुत बढ़िया। कि यार अभी ना यहाँ पे 3:15 बजे हुए हैं और मैं ना यहाँ पर आके बैठ गया हूँ, यहाँ से ना ऐसे करके नज़ारे ले रहा हूँ बाहर के, बिकॉज यहाँ पर पता क्यों बैठा हूँ, क्योंकि देखो मेरे ऊपर ना पूरा ना ट्री ट्री है, तो यहाँ पे ना धूप नहीं लग रही है, यहाँ पर बैठने का ना ये रीज़न है। इस साइड पर देखो पिज़्ज़ेरिया है वगैरह खा लिया था, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर ना मैं 4 बजे तक वेट करूँगा, उसके बाद ना फिर हम जाएंगे बोट राइड करने के लिए। सो अब धूप थोड़ी सी कम हो गई है और शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, तो चलते हैं बोट राइड करने के लिए। ठीक है आ जाओ भाई, जिस चीज़ के लिए बनारस आए हैं अभी तक वो ही नहीं किया तो फिर क्या खाक बनारस आए। वैसे ना शाम का पूरा ना माहौल ही यहाँ का ना चेंज हो चुका है। जब मैं दोपहर को आके यहाँ पर बैठा था ना तो इतने लोग नहीं थे, बट जैसे ही ना मतलब मेरी तरह और भी लोग सूरज के थोड़ा सा ना कम होने की वेट कर रहे थे, और सूरज जैसे कम हुआ है ना भाई सब लोग अपने होटल से निकल कर ना बाहर आ गए हैं, और अब ना ऑलमोस्ट लोग ना यहाँ पर ना वेट करेंगे गंगा आरती की, और सेकेंडली बोट राइड करने का सीन है सब लोगों का यहाँ पर। लो जी लो हम निकल पड़े हैं, ठीक है, और आई होप कि यार आवाज़ भी ना बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो रही होगी। तो अपनी बोट यहाँ से निकल पड़ी है और मैंने ना शेयरिंग वाली बोट ले ली है जो बहुत ही नॉर्मल रेटों में मेरे को पड़ी है, 100 रुपीज़ की राइड है। तो मैंने कहा यार अब बनारस आए हैं तो ये तो बनता ही है ना एक्चुअली में, तो इसीलिए राइड अपनी शुरू हो चुकी है। सही है ना, बढ़िया है ना, तो यही है ठीक है। मणिकर्णिका घाट महाशमशान भूमि, यहाँ पर 2400 घंटे चिताएं जलती रहती है, 365 दिन आज तक कभी भी आग नहीं बुझी है। कहा जाता है कि जो भी चिता जलाई जाती है सीधे मोक्ष प्राप्ति करती है, स्वर्ग में जाती है, इसीलिए दूर दूर से आती है डेड बॉडी आ जलने की। बोट राइड करके ना बहुत मजा आया, वो अपनी बोट थी उससे मैं उतर के ना यहाँ पर आ गया हूँ, और अभी ना मैं जा रहा हूँ आगे मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर ना 365 दिन साल के 2400 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। कहते हैं कि जिसकी चिता यहाँ जलती है ना उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो चलकर देखते हैं ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं सर आपसे, थैंक यू भाई। सब्सक्राइबर बना लिए हमने ना, तो सब्सक्राइबर बनाने भी ज़रूरी है ठीक है। बाकी ये वाराणसी का ना नया कॉरिडोर अभी बना है और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, और अभी कहते हैं कि थोड़े दिन पहले ही किया है, मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं पता बट थोड़े दिन पहले ही किया है। मणिकर्णिका घाट, ठीक है अब मैं ना भूलूंगा नहीं, अब मैं याद रखूंगा मणिकर्णिका घाट, ठीक है थोड़ा सा ना मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ फिर और अच्छे से याद हो जाएगा, मणिकर्णिका घाट ठीक है। इस घाट पे ना डेड बॉडीज को जलाने के लिए देखो
लक्कड़ जो है ना वो इस तरीके से शिप्स के ऊपर ना लेकर आई जाती है, क्योंकि यही सबसे ईजीएस्ट वे है लक्कड़ को यहाँ पे लेकर आने का, क्योंकि अंदर की जो गलियाँ ना वो बिल्कुल पतली पतली सी है, तो वहाँ से ना ये सारी लक्कड़ वाली और ये सारी सामग्री को यहाँ पे लेकर आना बहुत ही मुश्किल है। बाकी इस जगह पर 24 घंटे 365 दिन आग जलती रहती है, और यहाँ पे ना आग कहते हैं कि बुझती ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे ना वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी को भी यहाँ पर संस्कार किया जाएगा ना उसको डायरेक्टली स्वर्ग के अंदर ही एंट्री मिलेगी भाई। कुछ ऐसे वाला सीन है, कुछ ऐसे वाली स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पे 24 घंटे आग जलती रहती है, चिताएं जलती रहती है। बाकी हम चलते हैं आगे, ठीक है। इस दुकान की ना सबसे ज़्यादा हाइप है, आप यहाँ पर भी ना इसका रश चेक कर ही रहे हो, और बाकी यहाँ पर ना कुछ साइड पर इसका मेन्यू है, और लेट्स चेक आउट की यार इतना रश, इतनी हाइप इसकी क्यों बनी हुई है भाई साहब। कैसे हो भैया, क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ। आप क्या लेने आए हो? बल्ला चाट, समोसा चाट। अच्छा, बहुत फेमस है। बढ़िया क्या इनका? आलू चाट है। आलू चाट है। और एक ये टमाटर चाट जो है, अभी कल हमने खाया था वो आलू चाट खाया था। अच्छा। अभी आज हम ले रहे टमाटर चाट। ठीक है, ठीक है, टेस्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन से क्या लूं बताओ? टमाटर चाट, वो आलू टिक्की तो आपको आई गेस मिल जाएगी हर जगह। हाँ 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 हाँ, टमाटर चाट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही साइड मिलेगी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। समोसा, दो समोसा, दो टमाटर और एक दही बल्ला। ये टमाटर चाट है। ओके, दिस इज टमाटर चाट। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है ये। बेसिकली मैंने पहली बार ही सुना है कि टमाटर के नाम से भी ना कोई चाट होती है, और इससे पहले तो मैंने कभी भी ना टमाटर चाट वगैरह वाली जैसी ना कभी कोई चीज़ खाई नहीं है। बाकी इस दुकान की ना बहुत ज़्यादा वाली हाइप है, अगर आप गूगल पे भी इसके रिव्यूज़ चेक करोगे ना तो एक अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्लस रिव्यूज़ है विथ 4.5 रेटिंग भाई। इसीलिए ना मैं यहाँ पर आ गया, और मैंने सोचा कि चलो यार चल के एक बार हम भी ना जरा ट्राई करते हैं, और थोड़ा साइड पर ना खड़े होके आराम से ट्राई करते हैं। यहाँ तो रश बहुत ज़्यादा है यार भाई, रश इतना ज़्यादा है ना कि मेरे को बाहर खड़े होके यहाँ पे खड़े होके ना ट्राई करनी पड़ रही है, और अंदर तो ना मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। बाकी ना इसमें काफ़ी तेल तेल सा दिख रहा है, और टमाटर जैसे कि ना उसको मैश करके ना डाला हुआ है, और ऊपर से ना शायद ये खा के देखता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, टमाटर और आलू का मिक्सचर है विद ऑयल, और बीच में पनीर भी है, मटर भी है, थोड़ी सी स्पाइसी भी है। ओवरऑल ना ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं लगी मेरे को, सच्ची बताऊँ। एक तरीके से ना मेरे को ये पाव भाजी वाली सब्जी लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि उसके अंदर ना खूब सारा ऑयल डाला हुआ है। पाव भाजी की सब्जी दे दी है खूब सारा ऑयल डाल के, और बस यही चीज़ है। बाकी इसी चीज़ की यहाँ पर हाइप है सबसे ज़्यादा, और लोग टूट के खा रहे हैं। ठीक है, मेरे को तो बड़ी मिर्ची लग गई है, तो ये तो अभी ना इसको आराम आराम से करके ना मैं ज़रा फिनिश करता हूँ। ठीक है, देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक है, मेरे को ये थोड़ी सी ना अच्छी नहीं लगी, मतलब बहुत अच्छी नहीं लगी है, इसलिए मैं ना किसी को भी है ना रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप आके ट्राई करना चाहो तो करें ना, क्या पता आपको अच्छी लग जाए, बिकॉज इनके ना 20,000 रिव्यूज़ वो भी पॉजिटिव में है 4.5 रेटिंग के साथ। तो ठीक है, बाकी ये सब्जी है इसको मैं ना आराम आराम से करके ना ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद फिर आपको ना हम आगे मिलते हैं। ठीक है, सो फाइनली जी, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ गुरुद्वारा साहब, और इधर ही मेरा पीछे रूम है। बाकी देखो इस वाले ब्लॉग को ना हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी है बनारस की वाराणसी की वाइब्स को अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने की। जो भी कुछ मैं अपनी तरफ से दिखा सकता था ना वो सारी चीज़ें मैंने अपने इस ब्लॉग के अंदर दिखाई हैं। बाकी बाबा जी का थैंक यू है कि इन्होंने ना मेरे को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, और साथ के साथ ना मेरे को यहाँ पर ना दोनों टाइम लंगर भी मिलता था खाने के लिए। सो अपने को ना यहाँ पर रहने की और खाने पीने की ना बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की ना टेंशन हुई नहीं। बाकी देखो ओवरऑल वाराणसी तो मैं दोबारा अब कब आऊँ मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारी जगहों को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना है। सो यहाँ पर तो मैं अभी जल्दी नहीं आने वाला, बट स्टिल अगर आप लोग आ रहे हो ना तो इन सारी जगहों को एक्सप्लोर ज़रूर करना। ठीक है, आपको मज़ा आएगा। बाकी इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, थैंक यू एंड बाय बाय।